दीपावली पर वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री के स्वागत की जिला प्रशासन पर्यटन विभाग ने भव्य तैयारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर दीपक जलाने के बाद क्रूज द्वारा गंगा की लहरों में नौका विहार का काशी के घाटों के देव दीपावली पर होने वाली अद्भुत छटा को निहारेंगे। पीएम मोदी राजघाट से रविदास घाट तक जल मार्ग से जाएंगे। इस दौरान वो कुछ समय के लिए रुककर चेत सिंह घाट पर लेजर शो देखेंगे। इस बात की जानकारी भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने दी है। महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री सबसे पहले खजूरी स्थित जनसभा स्थल पहुंचेंगे, वहां सभा को संबोधित करेंगे। महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि यहां से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा डोमरी हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां से गंगा जी के रास्ते क्रूज द्वारा ललिता घाट पहुंचेंगे और विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण कार्य का अवलोकन कर पैदल ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचेंगे और प्रदर्शन पूजन करेंगे। यहां से वापस ललिता घाट से जलमार्ग द्वारा राजघाट आएंगे, जहां देव दीपावली का पहला दिया जलाएंगे। काशी क्षेत्र अध्यक्ष ने बताया कि यहां प्रधानमंत्री कुछ देर रुककर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखेंगे, फिर जलमार्ग द्वारा काशी के अलौकिक घाटों पर देव दीपावली के भव्य आकर्षण को अपलक निहारते हुए चेत सिंह घाट पहुंचेंगे, जहां क्रूज से ही चेत सिंह घाट पर आयोजित लेजर शो को देखेंगे और जल मार्ग से ही रविदास घाट तक जाएंगे। यहां से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से सारनाथ पहुंचेंगे, जहां भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली को नमन कर लाइट एंड साउंड शो देखेंगे और वाराणसी से बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। देखिए शौर्य न्यूज इंडिया की यह रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जैसा आप सब जानते हैं कि वाराणसी का सतत उनका जो लगाव है, वाराणसी से सतत जुड़े रहते हैं, उसी निमित्त वो 30 तारीख को देव दीपावली के पावन पर्व पर काशी उनका आगमन सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री जी बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उसके बाद वहां से हेलीकॉप्टर से खजूरी जाएंगे, वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करना है और वहां NHI के रोड का लोकार्पण भी करना है। उस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से डुमरी उतरेंगे, डुमरी पर वो क्रूज से ललिता घाट जाएंगे, ललिता घाट से काशी का ड्रीम प्रोजेक्ट बाबा विश्वनाथ धाम का अवलोकन करेंगे, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चन करेंगे। तत्पश्चात वो राजघाट पहुंचेंगे, राजघाट पे पहला दीप देव दीपावली का प्रज्वलित करके वहां से देव दीपावली का उद्घाटन करेंगे। वहां पे कार्यकर्ताओं का और जन से संवाद भी करेंगे, उनका हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे। वहाँ कुछ देर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी अवलोकन करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी क्रूज से निकलेंगे राजघाट से, और सभी घाटों का, देव दीपावली के दीपों का, देव दीपावली के कार्यक्रमों का अवलोकन करते हुए रविदास घाट तक जाएंगे। बीच में चेत सिंह घाट पर लेजर शो का भी अवलोकन करेंगे। रविदास घाट से बाई रोड प्रधानमंत्री जी सारनाथ पहुंचेंगे, वहां पर लाइट एंड साउंड का अवलोकन करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों को करते हुए प्रधानमंत्री जी रात्रि 9 बजे के आसपास में बाबतपुर रवाना होंगे, जहां से वो दिल्ली को प्रस्थान करेंगे। बात कीजिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह की तैयारियां हैं कार्यक्रम के लिए। प्रधानमंत्री जी आते हैं तो जो उनकी अपनी काशी है, जिसको मेरी काशी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी के मन में, प्रधानमंत्री के दिल में काशी का जन जन समाहित होता है और काशी वासियों के भी दिल में प्रधानमंत्री जी समाहित रहते हैं, तो निश्चित रूप से एक स्वतः स्फूर्त
ऊर्जा का संचार होता है और यहाँ के लोगों को बोलना नहीं पड़ता, वो स्वतः प्रधानमंत्री जी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो काशी को एक बड़ा सौगात देते हैं। जैसा अभी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी विगत दिनों जब कोरोना महाकाल चल रहा था तब भी वर्चुअल उद्घाटन और लोकार्पण के माध्यम से लगभग एक बड़ा काशी की जनता को सौगात दिया 614 करोड़ का, और लगातार प्रधानमंत्री जी वाराणसी की जनता से जुड़े रहते हैं तो प्रधानमंत्री के आगमन पर कार्यकर्ता तो उत्साहित होता ही है, लेकिन यहाँ का जन सामान्य भी उतना ही उत्साहित होता है, सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। पूरे काशी को झालरों से दीपों से सजाने का कार्यक्रम है। काशी ऐसे ही देव दीपावली को लेके बहुत ही, हम सब कह सकते हैं कि पूरे विश्व में इसका एक नया स्वरूप दिख रहा है, और प्रधानमंत्री जी के इस विशेष पर्व पर आने पर, इस विशेष समय पर आने पर इसका और स्वरूप बदलेगा और देव दीपावली बहुत भव्य रूप से काशी का जन जन मनाएगा। टॉप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।